स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, इसकी जो फार्मूला है उसका मीनिंग क्या है, और इसकी हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसकी जो डोमेन है वो ये एक्स वाई प्लेन है। हम डायरेक्शन डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड आउट करना चाहते हैं एट पॉइंट एक्स वन वाई वन इन दी डायरेक्शन ऑफ दिस वैक्टर यू। ये जो वैक्टर यू है ये हमारे पास यूनिट वैक्टर है। यूनिट वैक्टर का मतलब यह है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। लेट्स सपोज इस यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो यू वन है और यू टू है। तो अगर हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर मूव करवा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस पॉइंट के अंदर जो चेंजिंग आएगी इस डायरेक्शन में उसको हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स वन प्लस टी यू वन वाई वन प्लस टी यू टू। तो फंक्शन के अंदर जो चेंज आएगी, जब डोमेन में इस तरह से चेंज आएगी, तो फंक्शन में जो चेंज आएगी टोटल चेंज वो किस तरीके से आएगी, एफ ऑफ एक्स वन प्लस टी यू वन वाई वन प्लस टी यू टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन में टोटल चेंज है और इसको डिवाइड बाय टी कर देंगे और लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम टी को ज़ीरो को अप्रोच करवाएंगे तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि वो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर हमें मिलेगा। ये इसकी नोटेशन होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी होता है। इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव का जो अल्टरनेटिव फार्मूला है वो ये है। और डायरेक्शन डेरिवेटिव, हम जो फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर यू के साथ। ग्रेडियंट एफ हमें पता है इसके इक्वल होता है पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आई हैट प्लस पार्शल वाई एफ ओवर पार्शल वाई जे हैट पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड के हैट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इस यूनिट वेक्टर यू के साथ तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, जो भी गिवन पॉइंट होगा। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है यू इज इक्वल टू एक्स वाई सेट, और इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, और जो हमारे पास वैक्टर गिवन है यूनिट वेक्टर वो हमारे पास जो वेक्टर है वो ये है u इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट इलेवन माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट इलेवन एंड माइनस थ्री ओवर स्क्वेयर रूट इलेवन। तो बहुत इजी है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसका ग्रेडियंट ऑफ u कैलकुलेट करेंगे विच इज़ इक्वल टू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स आई हैट प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई जी हैट प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल जेड के हैट। तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का वन आ जाएगा, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगे। आई हैट प्लस एक्स जेड j हैट पार्शल u और पार्शल z हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई के हैट। तो अब हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको हम नाम इसका कुछ इसको हम v कह लेते हैं ताकि थोड़ा सा नाम चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव हम इस फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो ये किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट v। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो v है ये यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इसका दोनों डॉट डॉट प्रोडक्ट कर लें तो ये हमारे पास y सेट है कोमा x सेट, इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखती है, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होगा इस स्क्वायर रूट इलेवन को अगर हम कॉमन कर लें
यहाँ पे लिख लेते हैं इसके रूट ऑफ 11, तो दूसरा जो वेक्टर है हमारे पास -1, -1, -3 आ जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, तो डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो किसके इक्वल होगा, -yz -xz -3xy डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो हमने किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था डायरेक्शन डेरिवेटिव, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, 1, 1, 3 x1 y1 z3, तो ये आ जाएगा -3 x1 z3 -3 x1 y1, तो ये -3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 विच इज इक्वल टू -9/√11। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v एट पॉइंट P।